नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेसोकोर्ट 6 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, डेसोकोर्ट 6 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और डेसोकोर्ट टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और डेसोकोर्ट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और यह भी डिस्कस करेंगे कि डेसोकोर्ट टैबलेट की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कैसे कम किया जा सकता है। डेसोकोर्ट एक ब्रांड नेम है। डेसोकोर्ट टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन डिफ्लाजाकोर्ट 6 mg होता है। डेसोकोर्ट टैबलेट एक स्टेरॉइड दवा है। डेसोकोर्ट टैबलेट का उपयोग अस्थमा होने पर, नजला होने पर, एलर्जी होने पर, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने पर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने पर, लूपस होने पर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने पर और कैंसर के इलाज में डेसोकोर्ट टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत प्रकार के त्वचा रोगों में जैसे डर्मेटाइटिस होने पर, एक्जिमा होने पर, सोरायसिस होने पर, त्वचा पर कोई एलर्जी होने पर और त्वचा पर खुजली होने पर आदि कंडीशंस में भी डेसोकोर्ट टैबलेट का उपयोग किया जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद भी डॉक्टर डेसोकोर्ट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। हमारे शरीर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि हमारा शरीर ट्रांसप्लांट किए गए ऑर्गन को रिजेक्ट कर दे। इसलिए ऑर्गन रिजेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर इम्यूनोसप्रेसिव दवाओं के साथ डेसोकोर्ट टैबलेट को भी लेने की सलाह दे सकता है। डेसोकोर्ट टैबलेट शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ट्रांसप्लांट किए गए ऑर्गन को रिजेक्ट नहीं कर पाता है और ट्रांसप्लांट किया गया नया ऑर्गन आसानी से काम कर पाता है। डेसोकोर्ट टैबलेट शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करती है। इसलिए इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर डेसोकोर्ट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि डेसोकोर्ट टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप डेसोकोर्ट टैबलेट का सेवन लंबे समय तक या ज्यादा डोज में करते हैं तो डेसोकोर्ट टैबलेट की वजह से साइड इफेक्ट्स होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है। अगर आपका डॉक्टर आपको डेसोकोर्ट टैबलेट को केवल एक या दो सप्ताह के लिए डेसोकोर्ट टैबलेट को लेने की सलाह देता है तो साइड इफेक्ट्स होने का जोखिम भी कम ही होता है। डेसोकोर्ट टैबलेट की वजह से उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, सिरदर्द होना, पेट में बेचैनी होना, घबराहट होना और स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है व डिप्रेशन भी हो सकता है। इसके अलावा डेसोकोर्ट टैबलेट की वजह से चक्कर आना, शरीर में थकान होना, भूख का बढ़ना, वजन का बढ़ना व नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। कुछ व्यक्तियों में डेसोकोर्ट टैबलेट की वजह से हाथों व पैरों में सूजन भी हो सकती है और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। लंबे समय तक डेसोकोर्ट टैबलेट को लेने से शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। लंबे समय तक डेसोकोर्ट टैबलेट का सेवन करने की वजह से लिवर डैमेज व ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों का रोग है जिसमें शरीर की हड्डियां बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है और हल्के से प्रेशर या गिरने की वजह से भी हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। डेसोकोर्ट टैबलेट की वजह से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है और डायबिटीज होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है। डेसोकोर्ट टैबलेट की वजह से शरीर की घाव भरने की क्षमता कम हो सकती है और कोई चोट लगने के बाद घाव को भरने में लंबा समय लग सकता है। लंबे समय तक डेसोकोर्ट टैबलेट का सेवन करने से आँखों में कैटरेक्ट या ग्लूकोमा हो सकता है, जिसकी वजह से आँखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है। लंबे समय तक डेसोकोर्ट टैबलेट का सेवन करने से शरीर की त्वचा पतली हो सकती है और त्वचा पतली होने की वजह से त्वचा में दरारें पड़ सकती है। डेसोकोर्ट टैबलेट की वजह से ब्लड प्रेशर अधिक हो सकता है और शरीर में सोडियम का लेवल अधिक हो सकता है और पोटेशियम का लेवल कम हो सकता है। डेसोकोर्ट टैबलेट की वजह से गर्दन, चेहरे, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में असामान्य रूप से फैट का जमाव हो सकता है, जिसकी वजह से चेहरे, पेट या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है। डेसोकोर्ट टैबलेट को बच्चों को लंबे समय तक देने से बच्चों की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है
और बच्चों की ग्रोथ धीमी या कम हो सकती है। डेजोकोर्ट टैबलेट की वजह से शरीर पर बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है और महिलाओं में चेहरे पर भी बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं के मासिक धर्म अनियमित हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि डेजोकोर्ट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। टीबी होने पर, डायबिटीज होने पर, वायरल या फंगल इन्फेक्शन होने पर, थायराइड की बीमारी होने पर, पेट में अल्सर होने पर, किडनी या लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर, ऑस्टियोपोरोसिस होने पर और मायस्थेनिया ग्रेविस होने पर आदि कंडीशंस में डेजोकोर्ट टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना डेजोकोर्ट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए डेजोकोर्ट टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डेजोकोर्ट टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। डेजोकोर्ट टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। डेजोकोर्ट टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना डेजोकोर्ट टैबलेट को लेना शुरू नहीं करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि डेजोकोर्ट टैबलेट की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कैसे कम किया जा सकता है। डेजोकोर्ट टैबलेट की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखकर कम किया जा सकता है। डेजोकोर्ट टैबलेट की वजह से हड्डियां कमजोर हो सकती है, इसलिए हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे दूध, दही, सोयाबीन व पनीर आदि का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए, या आप कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा कच्चे फलों, सब्जियों का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए और हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डेजोकोर्ट टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।